तो फिर ड्रामा क्यों? मैंने स्वयं, आप विश्वास कीजिएगा, मैंने कभी भी, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुलाने के बोला कि भाई आपको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आप चुनाव पार्टी कैसे लड़ेगी, हम लोग आगे कैसे जाएंगे, आपको इस दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, इसलिए आप इस दिल्ली से कोई सीट देख लीजिए जहां से ठीक लगे और आपका हम फाइनल कर देंगे। मैंने उनको मना किया अरविंद भाई कि मेरा वहां कोई परिचय नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मेरे लिए ऐसे मान लो जैसे मैं जीरो से शुरू करने वाला विषय। उन्होंने कहा आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है बाकी लोगों के मुकाबले, आप लड़िए। मैंने उनकी पार्टी की बात को, उनकी बात को मानते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और मैंने, उन्होंने मुझे स्वयं, मनीष सिसोदिया जी ने स्वयं मुझे 100 साइन करा के अपने हाथ से दिए। मैंने वो 100 साइन लेने से मना किया और मैंने स्वयं जाकर अपने 100 साइन कराए और कराने के बाद अपना फॉर्म वहां जमा किया। वो सब फॉर्मेलिटीज थी, ड्रामा था, वास्तविकता उसमें नहीं थी कहीं भी। उस लक्ष्मी नगर की जनता और उन वॉलंटियर्स के साथ वो धोखा था जो उन्होंने उस रूप में उन लोगों के साथ किया। उसके बाद जब वहां बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो मैंने अपना लिख के 4 लाइनें उनको दी थी कि मैं इसी विरोध में इस पार्टी के, जो कि किसी के हित के लिए रक्षा ना कर सके, किसी के हितों को छीन के मुझे दिया जाए, मैं ऐसे चीज पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आप विश्वास कीजिएगा अगर उनके पास वो कॉपी है तो वो आपको दिखा भी सकते हैं। जब मैंने लिखित में उनको दिया था, मैंने कहा था मुझे इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ना, पर लक्ष्मी नगर जिसमें मैं चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लड़िए, हमने कह दिया, हो गया सब कुछ। और ऐसे ही पटपटगंज पे हुआ, पटपटगंज से मनीष सिसोदिया का लड़ना था, स्क्रीनिंग कमेटी में आपने नाम डाल दिया उसका, उनका शॉर्टलिस्ट में नाम डाल दिया, बाबरपुर में अगर डॉक्टर गोपाल राय जी का नाम डाल दिया, आपने मालवीय नगर में शेखर जी का नाम डाल दिया और आर के पुरम में साजिया इलमी जी का नाम डाल दिया, तो फिर ड्रामा क्यों? बाकी संता के साथ आपने धोखा क्यों किया? आप उन वॉलंटियर्स की भावना से खेले, आपने उनसे वोटिंग भी कराई, आपकी उस मुद्दे पर जो राय शुमारी थी उसका नजरिया अलग था। जब आपने वोटिंग दिल्ली में कराई थी, जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था, तो उस समय राय शुमारी हो रही थी और राय शुमारी में आपने अपना एक मापदंड अलग रखा कि इस राय शुमारी को नहीं मानेंगे, जनता जो कह रही है मूर्ख है पागल है, वो राय शुमारी मानेंगे जिससे हमारी सरकार बनेगी, उसमें हम जाएंगे जनता के बीच में, जनता जो कह देगी उसको मानेंगे क्योंकि जनता सर्वप्रिय है। और वॉलंटियर्स जो आपके लिए खून पसीने की, जिन्होंने बात कही और खून पसीना बहाया, उनकी बात को आपने दरकिनार कर दिया, उन्होंने अपना बधवा मंजूर मान लिया, उन वॉलंटियर्स को आपने, उनकी भावनाओं से आपने खेल किया, ये बहुत शर्म की बात है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में कुछ नहीं हो सकता। जो अपने घर में भ्रष्टाचार ठीक नहीं कर सकता, वो देश का भ्रष्टाचार क्या ठीक करेगा? ये बड़ा मुद्दा है। ये कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा था, जिन लोगों ने अपना खून पसीना बनाकर इस पार्टी को खड़ा किया, उनके साथ सबके साथ धोखा हुआ, उनके साथ छल हुआ, उनके साथ भ्रष्टाचार हुआ। आज जितने भी दिल्ली की लोकसभा की सीटें हैं उनके लगभग सारे टिकट फाइनल है। यह तय है कि कौन कहां लड़ेगा, गोपाल राय कहां लड़ेंगे, अपने कुमार विश्वास कहां से लड़ेंगे, साजिया इलमी कहां से लड़ेंगी, आशीष तलवार कहां से लड़ेगा, दलीप पांडे कहां से लड़ेगा, ये सारी चीजें तय हैं। और तय होने के बाद फिर ये ड्रामा क्यों? हजार हजार लोगों के साइन करा के लोग अपने जमा करें उसके बाद फैसला होगा? ये धोखा नहीं है दिल्ली की जनता के साथ? आपकी करनी और कतनी में फर्क नहीं है क्या? आज कुमार विश्वास जाके अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं नाम घोषित हुआ है क्या उसका? आज साजिया इलमी पूरे क्षेत्र में अपना प्रचार कर रही है, क्या नाम घोषित हुआ है उनका कहीं? पिछले दिनों एक बात, अभी चलते चलते जब मैं वास्तविकता बात रखने की बात करता हूं तो अरविंद भाई कहते हैं कि मैं लालची हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके बहुत सारे साथियों को जानकारी होगी कि जिस दिन, पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिस्ट गई थी उसमें मेरा नाम गया था और मैंने स्वयं जाके मना किया कि मुझे मंत्री नहीं बनना है। मैंने स्वयं जाके कहा कि अपने आप जिसको मुझे जो जिम्मेदारी देंगे, मैं पद का लालची आदमी नहीं हूं। अरविंद भाई ने आपको पीछे स्टेटमेंट भी कहा था जो 25 तारीख की जो अरविंद भाई की स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो वास्तविकता थी। उन्होंने कहा था कि 25 भिन्नी मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा मुझे किसी पद की लालच नहीं है, मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए और मैं जो जिम्मेदारी आप दोगे मैं उसका निर्वाह करूंगा। ये 25 तारीख का स्टेटमेंट था अरविंद जी का। और आज अगर मैं मुद्दों की बात करता हूं, वास्तविकता सामने लाने की बात करता हूं, तो आप मुझे लालची बोलते हैं, बोलते मुझे टिकट चाहिए। कहां टिकट का फैसला हो गया, कहां कौन सी मीटिंग हुई है, कहां अनाउंसमेंट हो गया? क्या आपने अरविंद भाई से मैं टिकट मांगने गया, उन्होंने मुझे मना कैसे मना कर दिया? उनको किसने अधिकार दिया मना करने का? क्या मतलब आप तानाशाह हो गए, सारे फैसले स्वयं करते हैं? इससे तो यही पता चलता है, अगर आप, मैं आपके पास टिकट मांगने गया और आपने मना कर दिया, इसका मतलब तो आप अकेले फैसले करने वाले लोग हैं। कहां गया स्वराज, कहां गई स्वराज की परिभाषा? दिल्ली की जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए, बहुत दिन ज्यादा नहीं चलने वाला। मैं आपको बता दूं कि 3-4 डिमांड मैंने आपके माध्यम से अभी की हैं। रायशुमारी की बात मैंने आपसे की है,
विधानसभा टिकट में जो पीछे भ्रष्टाचार हुआ, जिन वॉलंटियर्स के साथ धोखा हुआ, उसकी बात मैंने की है। और मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी में जितने भी तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं, अरविंद भाई उन्हें आदेश की तरह एक फरमान सुनाते हैं और बाकी 4 लोगों की इस पर सहमति अनिवार्य है। ऐसा सिस्टम है इस पार्टी का। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल की बात के खिलाफ कोई जाता है तो पहले तो उसे खूब समझाने की वो कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझा पाते तो उनकी आंखें टेर जाती, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे आ जाता है। बाघेला साहब हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, जो गुजरात से हमारी दिल्ली में काम करते हैं, उन्होंने एक मीटिंग में मैं भी था, वो भी था, एक विषय आया कि अरविंद भाई आप जो आपकी बात से सहमत नहीं होता है आप उसके खिलाफ गुस्से पे आ जाते हैं और उतारू आ जाते हैं उसको समझाने और धमकाने के टोन में। इस पर सबसे बात की गई, उस मीटिंग में मौजूद जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई आपकी इस तरह के नेचर है, और अरविंद भाई ने उसके बाद ये माना कि हाँ मैं ऐसा करता हूं। तो ये बताता क्या बताता है हम सब लोगों, कहां है स्वराज इस पार्टी में? हम लोग किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस पार्टी में आए थे क्या? हम किसी को मंत्री बनाने के लिए इस पार्टी में आए थे क्या? हमने अपने 10 साल का पुतला पॉलिटिकल जीवन इसलिए इस पार्टी को दिया था कि आप अपने मुद्दों से भटक के और राज भोगने में आप व्यस्त हो जाए, दिल्ली के जनता के मुद्दों को भूल जाए, इसलिए आए थे कि हम इस पार्टी में? हम बिल्कुल नहीं आए, हम पद के लालची नहीं है। अगर मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट जीता हुआ पार्षद था, आज अगर मैं लक्ष्मीनगर से जीता हूं तो कहीं उसमें 2-4-5% मेरा भी योगदान है। अगर कौंडली विधानसभा हम जीते हैं तो 2-4-5% मेरा भी योगदान है। मैं इस दिल्ली का रहने वाला हूं, 200 साल का मेरे पूर्वजों का इस जमीन से इतिहास है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से आके बस गया हूं। पूरी जमुना पार में मेरे पूर्वजों का, मेरा पिछले 200 सालों का इतिहास है, इस खेत खलियानों से मेरा जीवन रहा है, मेरे पूर्वजों का इससे संबंध रहा है। मैंने पिछले अपने जीवन के 38 वर्ष इसी क्षेत्र में गुजारे हैं। ऐसा नहीं है अगर त्रिलोकपुरी आप जीत गए हैं, कौंडली जीत गए, पटपड़गंज जीते हैं तो उसमें मेरा कोई योगदान ना होगा। बाकी आप क्यों नहीं जीते? सादरा से लेकर तमाम सीटें आपकी पड़ी हैं, आप कितनी सीटें आपने जीती हैं? आप अवसरवादी लोग हैं, आपने हमेशा सब लोगों को यूज किया है, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी आपने अपनाई है। अन्ना जी से लेके किरण बेदी जी से लेके आपने बाकी तमाम जितने भी लोग इस पार्टी में आए, अभी भी बहुत सारे लोगों का इस पार्टी में यूज हो रहा है। आशुतोष जैसे लोग जो कल पार्टी में आए, वो कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई अवसरवादी लोगों का इसमें कोई स्थान नहीं है। मैं वो आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आशुतोष जी से कि आपको क्या बताया इस पार्टी के बारे में, आपका क्या योगदान रहा है? अगर मैं ये कहूं कि अवसरवादी सही मायने में आप हैं आशुतोष जी, आप उस दिन इस पार्टी में ज्वाइन किया आपने जिस दिन ये पार्टी खड़ी हो गई, पूरे देश में लाखों हजारों लोग आपके पीछे खड़े हैं, अब आप हैं अवसरवादी। विनोद कुमार बिन्नी अवसरवादी नहीं है, विनोद कुमार बिन्नी उस दिन इस पार्टी में आया जिस दिन पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, मैंने दिया पार्टी को, एक आदमी जनपद ने दे दिया, पहला बिना चुनाव एक आदमी आपको दिया। आप मुझे अवसरवादी कहते हैं? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर मैं उनकी हां में हां भरता रहा हूं तो विनोद कुमार बिन्नी बहुत अच्छा इंसान है। विनोद कुमार बिन्नी ने दूसरी बार आंदोलन किया है और 27 तारीख आज के सही 10 दिन बाद दिल्ली की जनता से आपने जो प्रॉमिसेस किए थे, आपने जो बिजली के जो 10,52,000 लोगों ने जो आपको समर्थन दिया था बिजली और पानी के मुद्दे पे, अगर उन सब लोगों के बिजली के बल के माफ नहीं हुए